खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा, हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तहसीलदार ने सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अवैध रूप से सरकारी जमीन को कब्जा किए लोगों से तहसीलदार सदर ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जा जमीन को मुक्त कराया। इस कारण ग्रामीणों ने भी कहा कि अभियान बहुत अच्छा है। तहसीलदार सदर रामाश्रय वर्मा और कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम व पुलिस फोर्स ने नया गांव पहुंचकर अवैध रूप से कब्जा किए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। तहसीलदार ने खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया, जिससे सैकड़ों बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ग्रामीणों ने तालाब को मिट्टी से पाट कर उस पर खेती करनी शुरू कर दी। अधिकारी भी तालाब को देखकर दंग रह गए। जो अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग हर तहसील में, हर थाने पे टीमें बना के सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है, अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये जो कार्रवाई आज आप बता रहे हैं उसको कराया गया है। आने वाले समय में नियमित रूप से हर सप्ताह दो बार ये अभियान चलाया जाएगा। कोशिश यही करी जाएगी कि सरकारी जमीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कब्जा मुक्त कराएँ, जिससे उसका प्रयोग अन्य पर्पजेज़ के लिए, अन्य प्रयोगों के लिए करा जा सके, जिससे ज़िले के विकास में उसका योगदान रहता है।